पहले दिन थी। पहले नहीं थे? हाँ कब से हुआ? अभी मौसम बदलता रहा, बढ़िया होने का घटिया होने का। तो और सुनाओ। और तो मैं यही आज जानने के लिए मिथिलेश पाल को उतार दिया उधर, सुम्बुल राणा को उतार। मिथिलेश पाल को हम जिता के भेजेंगे, जिता के भेजेंगे। किस वजह से? हम पक्के बीजेपी के आदमी है, पहले से ही है इधर, पहले ही। अच्छा ये योगी आदित्यनाथ ये बटेंगे तो कटेंगे, क्या बोल रहे? क्या मतलब? नहीं मेरे सुनो, सुना जो आदमी एकता, एक सा मतलब ही हो गया, एक आदमी है, एक का हो रहा है तो वो फायदेमंद रहेगा, और जो फटेगा तो फटेगा, बेकार हो जाएगा। तो ये तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी कहा जा सके। हाँ हो सके, लेकिन वो नहीं है उनका मजहब, जो मुस्लिम है वो अलग होता है उनके हिसाब। वो एक उनका एक ही है, हम अल्लाह हमारे भगवान है बहुत, कोई किसको मानता है कोई किसको। नहीं तो योगी जी हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं? नहीं वो तो एकता कर रहे हैं, वो तो हिंदू मुस्लिम नहीं, योगी जी ने कभी कभी हिंदू मुस्लिम करी ना, उन्होंने प्रधानमंत्री ने कभी नहीं करी एकता की बात। नहीं मुस्लिम हिंदू मुस्लिम बांटने की बात नहीं, एकता करी है जो एकता की। ठीक है क्या करो? दुकान पे जा रहा हूँ जी। हा? दुकान है जूते चप्पलों की। किस चीज अड्डे पे? अच्छा यहाँ इलेक्शन में हिंदू मुसलमान का मसला रहेगा? नहीं मैं बताऊंगा जी, ये तो सब जगह ही चलता है। अखिलेश के साथ जो है मोमडन आदमी है पूरा है, और हिंदू सब यहाँ है, नलके वाले पे है जो है अपना बीजेपी वाले। मुस्लिम के जो तीन चार कैंडिडेट उतारे हैं, हाँ ये बांट लेंगे अपने को, बसपा हमारी एक तरफ चले जाएंगे सब। ये बांटने के लिए उतारे? हाँ काटने के लिए। चलिए दूसरी तरफ चलता हूँ भैया। मैं सड़क पे खड़ा था, ये मैसी फर्गुसन ट्रैक्टर लेकर के आए, मुझे लगा नया ट्रैक्टर लेकर के आए। धनतेरस के दिन है, आपको पता ही है लोग लोहे का सामान गहने तमाम चीजें खरीदते, नया लेके आ रहे हैं? हाँ जी चलता गया है। आज ही लिया? आज ही लिया। चलता हुआ मतलब सेकंड हैंड? सेकंड हैंड। कितने का पड़ा? ये 4 लाख। धनतेरस के दिन जान बुझ के लिए? जी धनतेरस के लिए लोग नया कटवा रहे, हमने ये ले लिया। अरे तो नया ही लग रहा, कोई नहीं? हाँ नहीं नया ही है, कुछ ही थोड़ा ही चला है। ट्रैक्टर नया पुराना क्या हो? हाँ नहीं कुछ नहीं होता, किसान के लिए क्या नया क्या पुराना काम कर रहा है। क्या हालचाल है बाकी मीरापुर का? मीरापुर का हालचाल ये है जी, लोग तो कोई कुछ बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं बैठो आप, लेकिन जो है अजीत ये कहना जयंत चौधरी ने जिसे टिकट दे दिया, वोट ज्यादातर लोग करेंगे उसको, नहीं तो सब कोई कोई गुस्सा होकर बता देगा, कोई कुछ बता देगा, लेकिन लोग जो है वोट जयंत चौधरी के कैंडिडेट को करेंगे। जाट लोग किधर जाए? जाट उधर ही जाएंगे, जयंत चौधरी के कैंडिडेट को। एक बात बताओ, अभी जब 6 महीने पहले चुनाव हो रहा था या उसके पहले, तब तो जाट बीजेपी के खिलाफ बहुत गेल रहे, बीजेपी के तरफ न रहे, जयंत की गेल रहे, और जयंत बीजेपी में आ गए तो सब जाट बीजेपी की तरफ आ गए। हाँ सब जाट आ रहे, नहीं तो कुछ थोड़े बहुत तो सभी खिलाफ रहे, बाकी सब उसी के साथ में है, जयंत के साथ में है, बीजेपी के साथ में भी है, पहले से हम बीजेपी के साथ में ही थे पहले से। अच्छा हाँ जो है जयंत, जयंत के कैंडिडेट पहले भी वो हुआ, ये चंदन चौहान को वोट दी। तो चंदन चौहान तो समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीते थे? नहीं लोकदल से जीता था। अरे गठबंधन था उस बार ना 2022 में? हाँ हाँ नहीं वो तो है, लेकिन टिकट तो इसी का था। अब जो है ये भाजपा से है गठबंधन। और ये सुम्बुल राणा? नहीं नहीं इसका कुछ नहीं, इसे जाट वोट नहीं देंगे भाई। तो जाट वोट से क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो और लोग नहीं देंगे, ये जाट वोट तो दे रहे थे, जयंत को न जीता पाए बागपत से, चौधरी अजीत सिंह को न जीता पाए मुजफ्फरपुर से, वो तो मुजफ्फरनगर नरेश टिकैत हर की गड़बड़ थी। हा? वो टिकैत हर की गड़बड़ थी, टिकैत खुद लड़े राकेश टिकैत तो भी तो हार गए। हाँ तो हारेगा, वो यूनियन का आदमी, राजनीति में क्या मतलब उसका है जी। आपका विचार क्या है? हमारा विचार तो यही है साहब, भाजपा को जो है जिताओ, और ये जो है बस एक यही रास्ता है। देखो कोई कुछ भी कह रहा हो कि भाई
कुछ नहीं किया, लेकिन आप सड़कों पे हो, आप देख लो पुल सड़क, आप कहीं रात को निकल जाओ कहीं दिन में निकल जाओ। आज की तारीख में जो हम पहले सुनते थे कि भाई विदेशों में आदमी 400-500 किलोमीटर एक दिन में दूरी तय कर ले, तो आज यहाँ हो रहा। आज हम ही देखो, मान लो ट्रैक्टर लेके आए, हम ही लगभग 200 किलोमीटर चल जाएंगे, तो ये किसका वो है? ये तो उसका ही हुआ ना, सरकार काम कर तो रही। यही तो भाजपा पहले काम जब कर रही थी तब तो भाजपा के बड़े खिलाफ जाट थे, लेकिन जैसे ही जयंत चौधरी चले गए अब सुर बदल गए। बहुतों को बदलते लिखा, लेकिन जाट जितना तेज बदले मुजफ्फरनगर बागपत के, ऐसा इतना तो बदलते हमने नहीं देखा किसी को। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो ठीक है सर। उधर मुजफ्फरनगर से पड़ी तरफ ये बदमाशी करते हैं, बाकी जाट इसके साथ में भाजपा के साथ में है, थार है। अब गठबंधन हो गया और बढ़िया बात होगी और मजबूती आ गई है जी। चलो अच्छा, ये मायावती, आजाद समाज पार्टी, MIM, ये सब ने मुसलमान कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं यहाँ से, और सुमूल राणा तो है ही, इसका कुछ गणित है? नहीं नहीं, कोई गणित नहीं, यहाँ तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सीट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी खड़ा हो जाओ, सुमूल राणा कोई भी हो जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्लियर सीट निकल ली। देखो भाजपा के भी जो लोग हैं, जो इसके वर्कर हैं, जो इसके वो हैं मुरीद, वो सब वोट देंगे, गठबंधन है भाई वो सब। चलो ठीक है, आप रुके, नया ट्रैक्टर आपको बहुत मुबारक हो, खूब गन्ना बेचो, इसका इसका दाम इसी सीजन में आ जाएगा, इसी सीजन में आ जाएगा। चलो अब चलिए मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। राम राम, क्या हाल चाल है? क्या नाम है आपका? गुल्ला। गुल्ला दुल्ला रहमदुल्ला? नहीं, गुल्ला खाली दुल्ला। हाँ जी, गुल्ला गुल्ला गुल्ला। क्या करो? मजदूरी। आपका नाम क्या? मीर अली। अमीर अली। अमीर अली, और आपका? शराफत। शराफत दुल्ला शराफत और आमिर अली। हाँ, रिश्तेदार हो कि दोस्त हो? भाई भाई बिरादरी है सही। एक बात बताओ, ये चुनाव हो रहा है, आमिर अली साहब कुछ मालूम है आपको? नहीं, नहीं। आपको मालूम है? हाँ मालूम, क्यों नहीं मालूम है। क्या हो रहा है चुनाव? चुनाव हो रहा है, पता नहीं कौन सा हो रहा, क्या हो रहा, इतना नहीं जानते। कोपड़ है, कोपड़ है, यो पता चुनाव हो रहा। कौन लड़ रहा है ये पता है जी? नहीं पता। सभी पार्टी लड़ रही है। शराफत भाई क्या बता रहे? मगर सभी पार्टी लड़ रही है। पतंग भी है, साइकिल भी है, फूल भी है, नल भी है, ये सारी पार्टी है जी। ये पतंग वाला चुनाव लड़ता है, क्या है मामला? है जी भाजी, जब सभी आप अपने से हुआ तो वे भी लड़ रहे होंगे, उन्हें भी अपना हक होगा, हक तो होगा उनका भी। तो क्या है मीरापुर का माहौल? भाजी मीरापुर का तो कह नहीं सकते कि हम। वैसे मुसलमान किस पे ज्यादा है, पतंग पे है, फूल पे है, साइकिल पे है? ये तो दोनों तरफ ही है जी। किधर किधर? फूल पे भी और पतंग, उस पे साइकिल पे भी और पतंग पे, साइकिल पे भी और पतंग पे भी, ये तो दोनों तरफ भी है। फूल पे नहीं है? फूल पे भी है, बहुत है, फूल पे भी बहुत है, ऐसे भी हैं। चफेरे को जाम है जी, पियो पब्लिक है, जिंगे गुरु जान देखा होंगे, कोई पड़ जाए तो। तो फूल पे भी मुसलमान हैं? हाँ बहुत है, ऐसे बहुत है ऐसे। किस वजह से? अब ये अब अपनी मर्जी की बात है जी, कोई ये एक दूसरे के जोर से मान लो आना जाना उठना बैठना सैकड़ों बात हो जा। चलिए ठीक है, अब मैं आपको दूसरी पतंग चुनाव चिन्ह जो है वो MIM का है, असदुद्दीन ओवैसी का। तो मायावती, असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद, यानी उनकी आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर की, उन लोगों ने सब के सब मुसलमान कैंडिडेट दिए हैं, और समाजवादी पार्टी से भी मुसलमानों की, जैसे मैंने कहा जो मतदाताओं की संख्या वो आधे आधे की है, और जाट वोट भी यहाँ अच्छी खासी संख्या में है।
बहरहाल मैं अब आपको दूसरे इलाके में ले चलता हूँ।